जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ प्रशासन की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 631 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 264 मामले जम्मू संभाग और 367 मामले कश्मीर संभाग से दर्ज किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को सम्मानित किया। गुलशन ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कारगिल विजय सेना के शौर्य और पराक्रम का गौरवपूर्ण अध्याय है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध का बड़ा खामियाजा भारत ने भुगता। चीन ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाक अधिकतर कश्मीर पर भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था। पाक अधिकतर कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिला के रामसू में रविवार की दोपहर को एक स्कॉर्पियो असंतुलित होकर हाईवे से नीचे करीब 5 फीट गहराई खाई में जा गिरी। इस हादसे में सवार कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बनिहाल अस्पताल में ले जाया गया। हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर भाजपा नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में रविवार को बैठक कर जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों, सुरक्षा हालात तथा संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ये भी साफ किया है कि जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी है। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, संरक्षण और रखरखाव के कार्य योजना की समीक्षा के लिए रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बैठक की अध्यक्षता की। संरक्षण के प्रयासों को बताया गया कि किस तरीके से किया जा सकता है और साथ ही साथ जो सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत है उसे बचाने का प्रयास किया जाए। भारत में अकेले जुलाई में ही मंकीपॉक्स संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4 पहुंच गया है। रविवार को दिल्ली में एक संक्रमित मिलने से अब पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्स केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य विज्ञान मामलों के महानिदेशक कर रहे थे। वहीं इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ICMR के अधिकारी भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग कई कदम उठा रहा है। कला के माध्यम से कश्मीर की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने इस साल एक गैर संस्थानीय कलाकार को काम पर रखा है। लोगों ने विभाग के इस प्रयास की प्रशंसा भी की है और जहां अगर बात की जाए तो बताया गया है कि दिल्ली और मुंबई से 6 लोग इस समय कश्मीर पहुँचे हैं और कला के जरिए कश्मीर की खूबसूरती को कैद कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग बांदीपुरा ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सहयोग से रविवार को सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय ईट राइट मेला का आयोजन किया। बता दें कि इस अवसर पर उपायुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवेस जो है वो मौजूद नजर आए और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य भोजन को प्रोत्साहित करते हुए स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का सबसे कीमती अधिकार है।